आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे अपने दोस्त रहीम पटेल साहब मंच पे तशरीफ फरमा, एजाज उमर साहब, मोहम्मद मुस्लिम साहब, एडवोकेट हदायतुल्ला साहब, रफीक खजूरवाला साहब, रिजवान सर, आसिफ भाई, सलीम अतीक साहब, नदीम भाई, कल्लू भाई, शाहिद भाई, शफीक भाई, जमील भाई, हमारे इस मोहल्ले के बुजुर्ग दोनों ही शख्सियात गुलशन हिंद अदारे के तमामी सदर और अरकान, इस मोहल्ले के तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, पार्टी की जानिब से गुलशन हिंद सोसाइटी के तमाम ही सदर और अरकान का, इस मोहल्ले के तमाम ही नौजवान बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने यहां पर मुझको और मेरे तमाम ही साथियों को बुलाकर आप लोगों ने इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अतीक सर ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि यहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदारान भी आए हुए, क्रिश्चियन भी आए हुए, कि भाई ये प्रोग्राम कोई सियासी नवयत का नहीं है, ये मोहल्ले की विकास, मोहल्ले की बका के लिए और जो तामीरी काम हम लोगों ने इस इलाके के अंदर मोहल्ले के लिए हम लोग कर रहे थे, इसके लिए आज हम लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। बहरहाल हमारा जो इलाका है, हमारा जो मोहल्ला है, काफ़ी दिनों से हमारे इस इलाके के नौजवानों की, तमाम ही हमारे बुज़ुर्ग हजरात की, तमाम ही साथियों की ये डिमांड रही कि इस गार्डन में, इस इलाके के अंदर सामाजिक काम हो, मजहबी काम हो, मिल्ली काम हो, तालीमी काम हो और छोटा मोटा प्रोग्राम यहाँ पर मोहल्ले का होता रहे, माँ बहनों के मसाइल हल हो, माँ बहनों के लिए कुछ क्लासेस वगैरह शुरू किया जा सके, बच्चों के ट्यूशन वगैरह की क्लासेस शुरू किया जा सके, ऐसे तमाम ही मसाइल हल करने के लिए इस इलाके के अंदर एक इमारत का होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी दिनों की जो डिमांड थी, अल्लाह का बहुत एहसान मुकरम है कि इस फुलशेर गार्डन में तामीरी काम शुरू हो चुका है और इमारत तामीर हो रही है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी, तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि जो मकसद आप लोगों का है, इस इलाके के नौजवानों का है, इस इलाके के बुज़ुर्गों का है, इस इलाके की माँ बहनों का है, जिम्मेदारान का है, इमारत मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह ज़रूर वो मकसद पूरा करने की आप लोग कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं इस बात का वादा करता हूँ, काफ़ी तकालीफ आई, काफ़ी मसाइल आए, काफ़ी हमारे अंदर इख्तलाफ भी मोहल्ले के जिम्मेदारान और हमारे बीच में हुए, लेकिन अल्लाह का करम है लड़ाई नहीं हुई, इख्तलाफ हुए और रहना भी चाहिए, और इख्तलाफ जब होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और इख्तलाफ भी हुए लेकिन रास्ता भी निकला और अल्लाह का एहसान है कि वो काम आज मुकम्मल होता नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कोई सियासी बात ना कहूं, लेकिन आज यहां पर जितने
जिम्मेदारान मौजूद है, एक बड़ी तादाद हमारे अपने बुजुर्गों की नजर आ रही है, मुझको जिम्मेदारान की नजर आ रही है। मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं बहुत माजी में जाकर आप लोगों को बातें याद दिलाऊं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मालेगांव शहर की आवाम को अब बहुत सोच समझकर सियासी फैसला लेना होगा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, किसी के ऊपर तंकीद करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि यहां पर काफी जिम्मेदारान मौजूद है, अगर हमारे किसी साथी के घर में दो बच्चे हैं, दो एक लड़की एक लड़का है मिसाल के तौर पर, तो उसकी परवरिश करना पड़ता है, उसको पढ़ाना लिखाना पड़ता है, और जब उसकी शादी करने की बात आती है तो शादी की तारीख जिस दिन हम लोग तय करते हैं सोचते हैं, तो एक साल पहले हम लोग सोचते हैं कि एक साल बाद इसकी शादी करना है, इसके रहना चाहिए, इसको रोजगार मिलना चाहिए, इसके पास दो पैसा रहना चाहिए, जब इसकी शादी के हम लोग सोचते हैं। यानी जब तक हम लोग हमारे बच्चों का या बच्चियों का मुस्तकबिल कैसे बनेगा, आगे कैसे जिंदगी जिएगा, जब तक नहीं सोचते, जब तक हम लोग कोई फैसला नहीं लेते। बिल्कुल ये शहर भी हमारा अपना ऐसा ही है। ये शहर पहले बहुत छोटा था, पहले ये शहर के अंदर म्युनिसिपैलिटी थी, ये शहर के अंदर पहले नगर परिषद थी बहुत जमाने पहले, फिर म्युनिसिपैलिटी हुई, अब कॉरपोरेशन हो गई। ये शहर की आबादी पहले बहुत कम थी, चार पांच पानी की टंकियों के अंदर हमारे शहर के अंदर पानी आवाम को पूर जाता था, आवाम की जरूरत पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई बढ़ती गई, और उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग, मुस्तकबिल का सोचना वक्त के इक्तदार के लोगों को पड़ता है, जो भी वक्त के इक्तदार के लोग हो। आज की हमारी आबादी मालेगांव शहर की 5,90,000 पॉपुलेशन है, आबादी है। ये कौन सी आबादी की बात कर रहा हूं मैं, 2011 की, 2011 के मुताबिक 5,90,000 है, और ये 10 साल की अभी आबादी का काउंट नहीं हुआ, उसका फिगर नहीं आया है। अगर वो आ जाएगा तो आज की आबादी कम से कम 7 लाख हम लोग पकड़ के चले पूरे शहर की आबादी है, और ये शहर को अभी मुस्तकबिल में बहुत जरूरत की चीजें की जरूरत होने वाली है। मुस्तकबिल में ये शहर को बहुत फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि 24 घंटा इस शहर के अंदर सियासत शुरू रहती है, 24 घंटा, एक दिन भी एक घंटा भी सुकून से कोई ऐसा शख्स मैं समझता हूं नहीं मिलेगा जो सियासी बात ही नहीं करता हो। कुछ लोग दिन में करके रात में सो जाते, कुछ लोग शाम में उठ के रात भर वही बात करते, कुछ लोग फजर पढ़ के सोते, फिर फजर के बाद दूसरे लोग सियासी बात शुरू करते। बोलने का मतलब सियासी बात ही शहर के अंदर होती है, और तनकीद एक दूसरे के ऊपर की जाती है, लेकिन ये शहर का मुस्तकबिल, ये शहर का फ्यूचर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सोचने की जरूरत इस शहर में। मैंने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात बोला था कि ये कोरोना आया, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की बीमारी आई, ये महामारी आई, और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि मालेगांव शहर ने सबको समेट लिया, सबके लिए दरवाजे खोल दिया, ये शहर वो शहर है। और उसके बाद क्या हुआ, कोरोना के अंदर
बाप अपने बच्चे से नहीं मिल रहा था, बच्चा अपने बाप से हॉस्पिटल में मिलने तैयार नहीं था, बच्चा अपनी माँ को देखने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था, उसके करीब नहीं जाता था, भाई भाई एक दूसरे के करीब नहीं जाते थे। ऐसे हालात में भी हमारे शहर ने वो भेदभाव नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ, उसकी सोच ही अच्छी हो, हमारे शहर की सोच बाहर ऐसी गई। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरी बात को कोई झुठलाए तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये शहर ने इतनी मोहब्बत बांटा कोरोना में कि अब बाजू के शहर के लोग, चाहे वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे धुलिया हो, चाहे पूना हो, चाहे नासिक हो, चाहे मुंबई हो, चाहे ठाणा हो, चाहे औरंगाबाद, यहाँ के रहने वाले एक बड़ी तादाद मुसलमानों की मालेगांव शहर की तरफ रुख कर चुकी है और हजारों नए बाहर के हमारे भाई आकर मालेगांव शहर के अंदर प्लाट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं और अपने परिवार को यहाँ सेट करने की बात कर रहे हैं कि मेरा परिवार यहाँ रहेगा और रोजगार करने के लिए वो पुणे ही में रहेगा और बाल बच्चे यहाँ हिफाजत से रह सकते हैं। ये शहर के अंदर ये मोहब्बत है, इसके लिए लोग यहाँ पर अपने परिवार को सेट कर रहे हैं, फैमिली यहाँ पर रखना चाह रहे और धंधा व्यापार के लिए बाहर रहना चाह रहे। अगर यही मामला रहा तो हमारे शहर के अंदर आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी और हमको इस शहर का मुस्तकबिल सोचने की जरूरत है। असल में हम लोग बहुत जल्दी बात को भूल जाते और बात को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। मैंने जैसा पिछले कहा कि 5-6 पानी की टंकी, 7 पानी की टंकी पूरा शहर जरूरत पूरी होती थी। मैं कोई मेरी तारीफ करने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन 2005 में जिस वक्त मैं मेयर बना था उस वक्त एक स्कीम, एजाज उमर साहब यहां मेरे साथ मेंबर थे, उनको याद होगा, UIDSSMT नाम की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई। उस वक्त उसकी कीमत जो थी 178 करोड़ के आसपास थी, शायद मैं अमाउंट में चूक रहा हूँ, लेकिन 150 करीब, 150 के ऊपर वो स्कीम थी और उसी से उस वक्त तो पानी की पाइपलाइन डाली गई, पानी की टंकियां 17 पानी की टंकियां उसी से मंजूर की गई। 2005-6 की मैं बात बता रहा हूं और उसके बाद TCID की एक स्कीम आई, उससे पहले आई थी, उसके बाद अमृत आई। बोलने का मतलब, जो मालेगांव ये शहर था, जब गर्मी शुरू होती थी तो हर झोपड़पट्टी से, हर इलाके से हंडा मोर्चा कारपोरेशन में जाया जाता था, पानी नहीं मिलता था, पानी की शिकायत हुआ करती थी। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग हमने उस वक्त सोचा और अल्लाह का एहसान है कि आज हाईवे के वो साइड भी पानी पहुंच चुका है, आज दरे गांव के पास भी, हाईवे के पास पानी पहुंच चुका है, मीठा पानी आज मालदा शिवार के पास में भी पानी पहुंचा, दहने में भी पानी पहुंच रहा और पानी की टंकियां भी अल्लाह के करम में मुकम्मल हो गई और 24 घंटा रूटीन के तहत आज ये शहर को पानी मिल रहा है, कोई शिकायत नहीं है। अगर 96 में शेख रशीद साहब अगर गिरना डैम स्कीम को नहीं सोचते, अगर फ्यूचर प्लानिंग नहीं सोचते, तो ये शहर को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि गिरना डैम से भी पानी और चंकापुर से भी पानी ये शहर को मिल रहा है, मिल रहा है और पानी की कोई दुश्वारी नहीं है। ये फ्यूचर प्लानिंग मैं इस बोल रहा हूं, ये एक फ्यूचर प्लानिंग, जो जरूरत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी, और ये पानी ये शहर को मजबूती से मिल रहा है और 2042 तक इसकी मंजूर है, 2042 तक की स्कीम ये शहर के लिए बन चुकी है। और पानी का जो आरक्षण कोटा हमारा अपना है, उसका हमको पानी, हम 70% ही उठाते, 30% हम पानी गवर्नमेंट का डैम से उठाते भी नहीं है, तो हमारी जरूरत पूरी हो जा रही है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग ये शहर की, अब ये शहर को आइंदा क्या जरूरत है, इसके ऊपर जरूरत इस बात की कि हमको सोचना है।
सोचना इस बात की जरूरत है। मैं पिछले औरंगाबाद के जलसे के अंदर मैंने कुछ बातें कहा तो कुछ लोग को इतराज हुआ, कुछ लोग को नहीं हुआ। खैर, जब बात होती है तो बहस होगी, और बहस होगी तो एक तबका हिमायती होगा, एक तबका मुखालफत करने वाला होगा। 100% तुम्हारी तारीफ करने वाले कोई नहीं मिलेगी। दूध का धोया हुआ भी आदमी रहेगा तो उसकी भी मुखालफत रहने वाली है, और यही सोच के हमको आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने कहा एक जगह, मैंने कहा कल एक निजी महफिल में कि आज भी हमारे शहर के नौजवान मेरे पास आते और बोलते हैं एमएचजी के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है, एमएचजी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। काफी लोग आ रहे हैं, बहरहाल उनको जैसे एडमिशन करवाना है मैं उनकी मदद तो कर रहा हूं, एडमिशन करवा दे रहा हूं, वो एक अलग बात। लेकिन सवाल यह है कि कब तक नदिया के उस पार जाके हम एडमिशन मांगेंगे, कब तक? और गवर्नमेंट की पॉलिसी बनते जा रही है नॉन ग्रांट बेसिस के ऊपर, बड़ी बड़ी कॉलेज गवर्नमेंट मंजूरी दे रही, आपकी जमीन, आपका सेटअप, आपकी इमारत, आपके टीचर, आप फीस वसूल करो, आप पढ़ाओ। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी दिन ब दिन बदलती जा रही है। अब गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल कम दे रही है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वजह है कि आज तक मालेगांव शहर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे अपने इलाकों में नहीं आई? क्या वजह है कि लॉ कॉलेज हमारे वहाँ अभी तक नहीं आई? क्या वजह है कि सीनियर कॉलेज आज बहुत ज़्यादा होना चाहिए वो नहीं आ पाई? ऐसी बड़ी बड़ी डिग्री की कॉलेजेज क्यों हमारे इलाके के अंदर नहीं आ पाई, जो आज हमारे बच्चे ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा जा रहा? असल में कड़वा सच है, कड़वा सच ये है कि कोई आगे बढ़ता है तो टांग पकड़ के खींचना, जैसे मेरी खींच ली, ना तो ये नौबत नहीं आती। सच्चाई ये कड़वा सच। अब बात ये है कि ऐसा मान के चलिए, मैं दूसरी की मिसाल नहीं देता हूं, मेरी देता हूं, कि मेरी एक स्कूल है और अब ग्रांटेड है, टीचर का भी पगार गवर्नमेंट दे रहे हैं, जैसे हम गवर्नमेंट के दामाद हो गए। और मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं कि सीनियर कॉलेज जाओ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं कि लॉ कॉलेज जाओ, मैं क्यों आगे नहीं सोच रहा हूं? क्योंकि इसलिए नहीं सोच रहा हूं कि गवर्नमेंट की जब मैं ये कॉलेज लाने की बात करूंगा तो मुझे जाति पैसा लगेगा, जाति जमीन लगेगी, जाति इमारत लगेगी, जाता सेटअप लगेगा, इसके लिए मैं नहीं सोच रहा हूं, माल नहीं मिलेगा, इसलिए कोई नहीं सोच रहा। सब क्या सोच रहे, केजी, प्राइमरी, हाई स्कूल खत्म, क्योंकि यहां पर ग्रांटेड रहेगी तो पगार भी गवर्नमेंट देगी, बिल्डिंग का भी पैसा गवर्नमेंट देगी, और भी टीडा से भी पैसा आता है, अलग अलग मूलभूत सुविधा के नाम पर भी आता है पैसा गवर्नमेंट का, और उसके बाद भी डोनेशन। लेकिन ये शहर को आइंदा जरूरत रहे लगेगी तमाम ही कॉलेज के लिए, तमाम ही बड़ी बड़ी कॉलेज शहर में होना चाहिए, मुस्तकबिल की जरूरत ये शहर को महसूस होने वाली है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं और भी सब लोगों को, मेरी तो जिम्मेदारी है, लेकिन शहर के एजुकेशन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर जहां आदि कॉलेज आदि स्कूल आपके पास ग्रांटेड है तो कम से कम 2 कदम बढ़ाकर नॉन ग्रांट बेसिस के ऊपर भी स्कूलें लाना पड़ेगा, कॉलेज लाना पड़ेगा। अब हाईवे के पार आबादी चली जा रही, अब वहां पर कैसे रोड बनेगी, कैसे गटर बनेगी, कैसे पानी जाएगा, कैसे स्कूलें बनेगी, कैसे गार्डन बनेगा, हॉस्पिटल कैसे बनेगा? अब हम ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेशन, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं, मैं आज इक्तदार में कल नहीं रहेंगे,
कल रहेंगे परसों नहीं रहेंगे, इख्तदार सबको मिलता है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि काबिलियत किसके अंदर है। ये शहर को गुमराह किया जाता है, गुमराह ये किया जाता है कि भाई 450 करोड़ की बजट रखने वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सहूलत नहीं दे पा रही। कल मैं भी अपोजिशन में रहूंगा तो यही चिल्लाऊंगा, लेकिन मैं सच्चाई मुझे बोलना पड़ेगी एक दिन ये शहर को। जब तक हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तो चलने वाला नहीं। ये ईमान वालों की बस्ती के अंदर सच तो बोलना पड़ेगा, कब तक झूठ से गुमराह किया जाएगा। सच्चाई ये है ना 450 करोड़ रुपया रखने वाली ना बजट की कॉरपोरेशन है, ना 500 करोड़ रुपया रखने वाली कॉरपोरेशन का बजट इतना है ही नहीं। चैलेंज से बोल रहा हूं, कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड कर लो। सच्चाई ये है ये शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आवक कितनी है उस पर बजट बनता है। एक्चुअल आवक कितनी है, साल में कितना टैक्स जमा होता है, साल में टैक्स जमा होता है, सबसे बड़ा टैक्स जीएसटी के नाम पर कॉरपोरेशन को मिलता है। पहले उखराई थी, जकात थी, उसके बाद एलबीटी आई, उसके बाद एलबीटी आई, अभी जीएसटी आई। अलग अलग वक्त की अलग अलग सरकारें पॉलिसी बनाती है, पहले अप्राइ गवर्नमेंट ने बंद की, फिर दूसरा टैक्स आया, फिर वो बंद हुआ, फिर तीसरा आया। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और उस वक्त जो अप्राइ का आवक साल भर की थी 150 करोड़, उसमें 10% वाड़ होते 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 हर साल बहुत हो गया, अभी मुझे फिगर नहीं मालूम, 125 करोड़ रुपया जीएसटी सालाना गवर्नमेंट देती हो बस। ये एक बड़ी अमाउंट आती है, और जो कॉरपोरेशन के शॉपिंग सेंटर वगैरह है उससे पैसा आता है कुछ, मैं जो बोलता हूँ 2 करोड़ भी नहीं आता होगा, बराबर है ना, 2 करोड़ भी टैक्स नहीं आता। ठग बाकी चलते रहता है, केसेस चलते रहती है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद घर पट्टी और नल पट्टी, घर पट्टी नल पट्टी की हमारी बात आती है, दूसरा बड़ा टैक्स जो कॉरपोरेशन को आता। डिमांड अगर 50 करोड़ का है, यानी शहरियान के ऊपर 50 करोड़ रुपया शहर से वसूल किया जाना कंपलसरी है सालाना पानी पट्टी और घर पट्टी के नाम पर, तो बहुत कोशिश कर लेती है कॉरपोरेशन, बहुत कोशिश कर ली तो 15 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रुपया वसूल कर पाते हैं, इससे ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर पाती, और 30 करोड़ 25 करोड़ थक बाकी शरियान पे रहता, क्योंकि हमारे जैसे लोग इख्तदार में रहते, सभी सियासी पार्टी के लोग, तो कहीं किसकी जप्ती जाती तो हम जा खड़े हो जाते मेंबर, अरे जा भैया, फिर कर्मचारी चले जाते, जाने दे, नज़रअंदाज होता। ये ना पूरा अगर तुम मिला लेवे तो जहाँ तक मेरी मालूम है 200 या 200 के आसपास कुछ अमाउंट जाती जो असल आती है। क्या बोल रहा हूँ, असल बस इतना ही पैसा आता है। अब उसका खर्च भी लगता है, जाहिर सी बात है, मैं 5,000 अगर महीना मेरा घर मुझे पगार है तो घर तो चलाना पड़ता है, और रखा थोड़ी रहता है, 5,000 में सब लगता है, बाजार हाट वगैरह वगैरह, दवा गोली सब, हाथ में कुछ नहीं रहता। इसी तरीके से कितना अपना अपना खर्चा किसको बोलते हैं, कर्मचारी का पगार, साफ सफाई वालों का पगार, ऑफिसरान का पगार, टीचरों का पगार, ये तमाम ही स्थापना खर्चा जिसको बोला जाता है, 55% सिर्फ पगार 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 के अंदर कॉरपोरेशन का पैसा चले जाता है सालाना। उसके बाद बिजली बिल, जो पंपिंग स्टेशन से पानी उठाया जाता, गिन्ना डैम से, चंकापुर से, फिल्टर प्लांट जो पंपिंग होता, 24 घंटा बिजली लगती, जो खंबे के लाइट जलते ना वो भी कॉरपोरेशन को पैसा देना पड़ता,
फिर इमारत जितनी कॉरपोरेशन है उसका बिजली बिल, ऐसे महीने का शायद वो 50 लाख रुपया बिजली बिल जाता। उसके बाद हॉस्पिटल चलते उसकी दवा गोली, डॉक्टर के पगार, स्टेशनरी, गाड़ी का खर्चा, टीचरों की पगार का, ऐसे तमाम ही खर्चा जाके मैं समझता हूँ कि 25% भी पैसा कॉरपोरेशन के पास जनरल फंड का नहीं बचता जो शहर का डेवलप हो। 25% भी हिस्सा हाथ में नहीं आता कि शहर का पूरा विकास कहाँ से हो सकता। मेरा सवाल है शहर की आवाम से, और शहर कितना बढ़ गया, और उसमें रोड गटर एक एक गली की बनाना, एक एक पानी देना, पूरी सहूलत देना, साफ सफाई देना, नज्म, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और जो 450 करोड़ का जो बजट डिक्लेयर किया जाता है, मैं आपको बताता हूं, जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है ना, अभी जैसा 100 करोड़ मिसाल भुयारी गटर का पैसा गवर्नमेंट ने मंजूर करी 100 करोड़ का, जो मौसम नदी से जो बड़ी पानी की पाइपलाइन जैसा बड़ा दिख रहा होगा आपको नाला जा रहा है, वो 100 करोड़ की है, जो गटर का पानी उसमें जाएगा और वो फिल्टर होकर निकल जाएगा गंदगी कम करने के लिए, तो वो 100 करोड़ भी ऐड करना पड़ता, बताना पड़ता है कि गवर्नमेंट इतना भेजेगी, तो डायरेक्ट आप समझ लो 200 और ये 100 300, फिर गवर्नमेंट की 25 करोड़ की कोई स्कीम है उसको भी ऐड करना पड़ता, कोई 50 करोड़ की उसको भी ऐड बताना पड़ता, ऐसा ये बजट लगता 450-450 करोड़। लेकिन वो पैसा एक काम के लिए आया, लेकिन उसको बताना पड़ता। तो बोलने का मतलब, जब तक हुकूमत और कॉरपोरेशन मिलकर ये शहर को डेवलप करना नहीं चाहे, जब तक तालमेल नहीं रहेगा हुकूमत का और कॉरपोरेशन का, बड़ा फंड कॉरपोरेशन का गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन में नहीं आएगा, ये शहर का विकास हो ही नहीं सकता। जिम्मेदारी से और चैलेंज से बोल रहा हूं। तो अब ये हमको फ्यूचर प्लानिंग है शहर का कैसा करना है, कैसा शहर को डेवलप की तरफ ले जाना है, ये शहर को सोचना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तभी वोट की अपील कर लूंगा तो तनकीद हो जाएगी, ये आपको सोचना। मैंने सिर्फ एक खाका मुख्तसर में पेश करने की कोशिश किया हूं, और अब ये शहर को कैसे आगे जाना चाहिए वो फैसला आपको आगे आने वाले दिनों में करना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये शहर में 24 घंटा सियासत सोचना चाहिए, तनकीद होना चाहिए, मुखालफत होना चाहिए, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये शहर का विकास, ये शहर का मुस्तकबिल भी सोचने की जरूरत, ये शहर के तमाम ही सियासी पार्टियां और ये शहर के तमाम ही जिम्मेदार शहरियों को बैठकर करना पड़ेगा। जब तक ये शहर डेवलप नहीं हो सकता, मैं जिम्मेदारी से वापस दोहरा रहा हूं। इसके लिए मैं ये बात यहां पर बोला हूं कि भाई एक जिम्मेदारान यहां बैठे हैं, मोहल्ले के क्यों ना हो, लेकिन आप सियासत पर नजर रखते हो, मोहल्ले की तामीर और तरक्की के अंदर आपका बड़ा हिस्सा है, शहर की तामीर और तरक्की के अंदर आपका हिस्सा है, और ये जानिब हम लोगों को आगे शहर को बढ़ाना पड़ेगा, जब ये शहर का मुस्तकबिल बनने वाला है। और नहीं तो शेख आसिफ ऐसे 10 भी आ जाएंगे कि कॉरपोरेशन डेवलप कर दे तो नहीं हो सकता, मेरे जैसे और 10 लीडर भी आ जाएंगे तो भी नहीं हो सकता है। जब तक हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तालमेल नहीं होगा, फंडिंग बड़े पैमाने पे नहीं होगी, ये शहर डेवलप नहीं हो सकता। उसकी खास वजह यह है जो टैक्स नहीं बढ़ पाता। देखो हमारे वहां ना नासिक, आप देखो अब जिधर नजर घुमाएंगे उधर बिल्डिंग नजर आएगी, टावर 20 माले की बिल्डिंग, 10 माले की बिल्डिंग, तो ये बहुत पैसा आता है कॉरपोरेशन को, बड़ा टैक्स मिलता है। औरंगाबाद में जाएंगे तो फ्लैट, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, MIDC, उनसे बहुत पैसा आता है। लेकिन हमारे शहर के अंदर 70% झोपड़पट्टियां हैं, हमारे शहर के अंदर टावर नजर नहीं आते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, बड़े बड़े MIDC नहीं है कि पैसा ज़्यादा हमारे टैक्स से मिले। जो कुछ है बस ये हमारा अपना शहर है, बस इसी में से आता है, इसी में जाता है, और ये शहर चल रहा है।
तो ये तमाम ही चीजें, अगर ये शहर में और जमाने पहले ट्रेन आती तो शायद तरक्की हो जाती, बड़ी बड़ी MIDC बहुत पहले आती तो शायद तरक्की हो जाती। लेकिन ये शहर को हमेशा सियासी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के अंदर ये शहर आगे चलता गया चलता गया, और ये शहर की हालात आ जाती। ये तमाम ही चीजें हम लोगों को सोचने की समझने की जरूरत है। और सियासी आदमी ये तमाम ही चीजें समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ये मकसद होता है कि मेरी कुर्सी ना जाए, चाहे मुझे कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी गुमराह करना पड़े। कुछ लोग अपनी सियासी वजूद बचाने के लिए पाखंड करते, कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाखंड करते, लेकिन ये शहर को गुमराह मत करिए, यही मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा। अगर मेरी बात आप लोगों को खराब लगी, अगर कोई सियासी जुमलाबाजी हुई, उसके लिए माजरत चाहता। आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया हमारे जिम्मेदारान का, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।